यार कब से मैंने बहुत ट्राई किया पर पापा नहीं माने, उन्होंने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। यार हमारे इतने सालों के प्यार का क्या, और जो हमने इतने सारे सपने साथ में देखे थे उनका क्या? सॉरी कपिल, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, हो सके तो मुझे भूल जाना। शादी का कार्ड है, प्लीज जरूर आना। तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझसे ये बोला था कि तुम मुझसे दूर जब ही जाओगे, जब इस दुनिया से चली जाओगे। हाँ याद है, तो तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं मैं तो बस ये सोच रहा था, तुम भी मौसम की तरह निकली, वक्त के साथ बदल गई। बदलाव बहुत जरूरी है, और तुम भी मुझे भूल जाओ, यही बेहतर होगा। मेरा तो पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन जो तुम्हारे नाम के साथ नाम लिखा है इस कार्ड पे, जिस दिन मुझे पता लगा कि इसने तुम्हें थोड़ा सा भी दुख पहुंचाया है, तो वो उसके लिए वो आखिरी दिन होगा। अमृता यार मेरी चाय कहाँ है? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। वैसे आपको याद तो है ना, आज शाम हम मूवी देखने जाने वाले हैं। हाँ हाँ मुझे याद है, मैं टाइम से आ जाऊंगा। डॉक्टर कैसे हैं वो? अभी उनकी कंडीशन क्रिटिकल है और उनके शरीर में भी ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आप उनका इलाज करिए ना, प्लीज़ उनको ठीक कर दीजिए। देखो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताइए? आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, और इस दुनिया में ये ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा रेयर माना जाता है। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अभी कुछ कह नहीं सकते। क्या बताया आपने ब्लड ग्रुप? AB नेगेटिव। अरे यार कहाँ रह गए थे, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ। अरे मैं ब्लड डोनेट करने गया था, उसमें टाइम लग गया थोड़ा सा।
अच्छा तुम ब्लड डोनेट भी करते हो? हाँ, मेरा जो खून है ना वो कोई मामूली खून नहीं है, इसलिए मैं उसको दान करके लोगों की हेल्प करता हूँ। अच्छा, ऐसा कैसा ब्लड है तुम्हारा? ए बी नेगेटिव है और ये ब्लड ग्रुप सबसे रेयर है। अच्छा जी, ऐसा भी है? हाँ, अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो बता देना। चलें तो अब। हाँ ठीक है, बैठो। मैं किसी को जानती हूँ जिसका ब्लड ग्रुप भी यही है। अच्छा, तो बिना देरी करे उन्हें यहाँ पे बुला लीजिए। ओके डॉक्टर। ठीक है। अमृता का फोन। हेलो अमृता, कैसी हो तुम? क्या कर रही हो? यार मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हें आती है नहीं आती है? रुको रुको रुको। हाँ बोलो। मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। मेरी हेल्प? हाँ बोलो। अच्छा, तुम तैयार हो मेरी हेल्प करने के लिए? मरते दम तक। ठीक है, मैं लोकेशन सेंड कर देती हूँ, तुम आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आइए बैठिए। अच्छा ये है वो? जी सर। आपको पता है आपकी इस हेल्प से किसी की जान बच जाएगी। सर ये सब तो बस भगवान की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे इतना अच्छा काम करने का मौका दिया। सही बात है, चलिए आप मेरे साथ चलिए। ठीक है सर, चलिए। हाँ बोलो। थैंक्स यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं, जो मैंने प्यार किया था ना उसके लिए कर रहा हूँ। वैसे अमृता तुमने बताया नहीं तुम कैसे जानते हो एक दूसरे को। अब वो ना बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगी। चलो जैसा तुम कहो। कपिल लो ना बिस्किट लो। हाँ क्यों नहीं।